हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 2.6। तो पिछला वीडियो जैसे हमने क्वेश्चन 1 सोल्व करा था, अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 जो इसको सोल्व करेंगे, तो ये भी लगभग उसी की तरह ही है। यहाँ पे भी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो कि है 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये पूरा जो है ये अपॉन जो पूरे के नीचे है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, इसमें भी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 15, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसलिए ब्रैकेट के बाहर रखा है, ठीक है, इसको पहले। तो 7 माइनस 6x, अब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, इसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म होती है, तो कॉन्स्टेंट टर्म हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर दोनों वेरिएबल से या कॉन्स्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। वैसे वेरिएबल वाले जैसे वेरिएबल वाले टर्म है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉन्स्टेंट वाले से, ठीक है। तो इसलिए इसको अगला स्टेप जो आएगा वो आएगा 9x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर से प्लस माइनस माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 6x। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 5 या 35 और 10, तो ये आ गया 105 माइनस वैसे ही 15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 5 6 30, 6 और 9 90, तो 90x आ गया। अब करना क्या, x वाले टर्म को एक साइड कर देंगे, तो इसको इस साइड ले जाएंगे क्योंकि x वाला टर्म जो वो बड़ा वाला जो प्लस में रहना चाहिए, तो प्लस में तब जाएगा जब ये इस साइड जाएगा। तो प्लस 90x प्लस 9x इज इक्वल टू 105, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 99, तो 99x इज इक्वल टू 105 और x हो जाएगा 105 अपॉन में 99, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 से डिवाइड करा, 3 जा 9, तो और उसके 3 जा 9 और एक यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, तो आ गया 35 अपॉन में 33। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।